नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने सुबह का राग अहिर भैरव लगाया था, आप लोगों ने सुना, अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे राग हैं सुबह के, बहुत मुश्किल से भी हैं, लेकिन इजी राग करना अच्छा लगता है सबको। मुश्किल तो थोड़ा सा तैयार हो जाए आप लोग, तो ऐसे बहुत से देसी है, जौनपुरी है, बहुत सारे राग हैं अभी करने में। अलैया बिलावल जो दोपहर का राग है, श्री है, मारवा है, वो है, उसके भी मैं बताऊंगा कैसे रियाज करना है, कैसे करना है। तो नट भैरव, हमारे बच्चों ने कहा कि गुरुजी नट भैरव बताइए, तो नट भैरव हम थोड़ा सा, ये कर्नाटक शैली का राग है, पंडित रविशंकर जी ने इस राग को बहुत पॉपुलर किया, एक नई पहचान दी, राग नट भैरव। इसमें मैं आपको, इसमें सारे जितने भी यमन के अलंकार हैं आप बजा सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण राग है, कोमल धा लगता है, बाकी सब शुद्ध मध्यम, बाकी सब शुद्ध स्वर हैं। तो इसके सरगम में आपको बता रहा हूं, लीजिए सुनिए। तीन ताल में है, इसकी बंदिशें भी करेंगे। लेकिन आप अगर यमन के या दूसरे रागों के जो संपूर्ण राग है उसका अलंकार करते हैं, तो इसी सुर में आप करते रहें, और बहुत करना बहुत जरूरी है सारी चीज़ें जिसमें हो सकता है। जिस राग में नहीं हो पाएगा उसमें बिल्कुल अपने तरफ से ना बनाएं, और कोशिश करें कि आप स्वयं कुछ अलंकार बनाएं, उस पर सोचें, जितना सोचेंगे उतना अच्छा हो पाएगा। अगर आप सोचते नहीं है गुरुजी बता रहे हैं वो करेक्ट है, और ध्यान नहीं दे रहे कि वो बताया है वो उसी पर रियाज करूँगा जो उन्होंने सरगम लिख के दे दिया है, नहीं, आप सोचें, कहीं और से सुन रहे हैं, किसी का भी सुन के देख रहे कि इनके पास कोई चीज़ अच्छी है तो ले लो,
और लेने के बाद उन आर्टिस्ट को सम्मान करो, इज्जत दो। यानी सीखने के बाद बोल रहे हैं कि भी तो हमने अपने से सीखा या अपने अपने आप बना लिया, मैंने अपने आप कर लिया, नहीं। जिन गुरु से आपने सुन के कोई चीज़ भी सीखा है उनका सम्मान करें। ये सम्मान करने से ही अपने आप आपकी संगीत बढ़ेगी। ये नहीं कि आपने वहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया और बाद में बोले ला ये तो मेरे पिताजी ने बताया, हमारे दादाजी ने बताया, ऐसा नहीं। सबके पिताजी महान है, सबके दादाजी महान है, सबके गुरु महान है। तो जब आप किसी से भी कोई चीज़ भी लें उसका आदर करें, सम्मान। और अपने बड़े कलाकारों का सम्मान करने से ही संगीत का एक अलग आनंद। चलिए मैं ऐसे रिदम चल रहा है, इस राग का मैं बंदिश आपको सुनाता हूँ। बंदिश से बिट लिया, तो ये बंदिश में जैसे गवैया जो गायक कलाकार है अब ये सांसें भी निकल सकता, लेकिन जो पंचम से मीट की फीलिंग है वो बहुत जरूरी है। चीजें भी निकालना जरूरी है। अब मैं
ध्वनि सारे गस सदन ध्वनि दसानि रे स गे ग सरे नि स द द नि स रे स गे ग म द प रे ग रे म म ग रे स। अब क्या है, गाने के गुरु जब बताते हैं तो जिस ढंग से वो गा रहे हैं तो उस ढंग से ही आपको सीखना है। और संगीत तो कहीं से भी ले सकते हैं, कोई और सितार प्लेयर के गुरु हो या सरोद वादक गुरु हो या कोई और विधा के गुरु हो, ये नहीं कि अगर बांसी सीख रहे हैं तो बांसी से नहीं, जो अच्छे आपके पास मिल जाते हैं गुरु। फ्लूट की टेक्निक फ्लूट के गुरु ही सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें, अगर अच्छे गुरु हैं आपके पास गाने के, तो वहाँ से उनकी बंदिशें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे मेरे पिताजी पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, अब हमें छोटी छोटी आना तब नारा, तो जो ये कण है या मुर्की है या गमक है, ये सब चीजें गाने से ज्यादा आ सकता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। अगर फ्लूट वाले गुरु नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी अच्छे गुरु से सीख सकते हैं जो गाना गाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे। चलिए मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। शिष्य बैठा हुआ मोहन, थोड़ा तू बजा बेटा जो तेरे मन में आ रहा है उसको। Da na.
पग मगर सनि दो धनी सरे नि सगर मगर सनि दस Thank you.
संतरा के बाद त्याही क्या होता है कि जब बच्चे बजा रहे होते हैं, कितना सुर उसको सुनाई देता है, कितना ताल उसको सुनाई देता है। स्वर ताल को ध्यान रखे गाना बजाने करते वक्त। सबसे जरूरी है संगीत में स्वर। जब किसी का स्वर अच्छा लगता है, कभी अक्सर देखते हैं आप तबला बहुत सुर में मिला होता है तो टूट जाता है, पट जाता है, तानपुर के तार टूट जाते हैं। मतलब स्वरों से बहुत सारे चीज ऐसे चमत्कार हुए हैं। स्वरों की तरफ ध्यान बहुत देना है, बहुत जरूरी है, तभी आप लोग कामयाब होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। खूब रियाज करें, खूब मेहनत करें। मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बनाता रहूँगा और हम लोग ऐसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।